जम्मू में कोई युवा बचा हो जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि रोज जत्थों के जत्थे काफी बड़ी संख्या में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि लोग जो है प्रसन्न है। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू पुंछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के माननीय जुगल किशोर शर्मा जी के काम से, हमारे विधायकों के काम से, चाहे वो कोई भी विधानसभा क्षेत्र के रहे हों, आज ये सारे युवा जो है इनके काम से प्रेरणा लेकर इस भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कभी आलू डाल के सोना नहीं निकालती है। जैसी और पार्टियों के आप देखते हैं कि जो उनके जैसे कांग्रेस के आज जो वहां कांग्रेस के जो पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आप कांग्रेस में ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आलू डालेंगे वहां से सोना निकलेगा। लेकिन हम लोग आपको ये बताते हैं आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता युवा मोर्चा में आप जुड़ेंगे, ये देशभक्त पार्टी है। ये कभी देश विरोधी कोई भी चाहे जम्मू कश्मीर के हित की बात रही हो, चाहे देश विरोधी कोई भी एक्टिविटी करता है, हम उसके खिलाफ खड़े एकजुटता के साथ खड़े होते हैं और उसका विरोध करते हैं। हमने कभी देश के खिलाफ जो चाहे कोई भी एक्टिविटी, चाहे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी घटना घटी हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, वो पूरा कार्यकर्ता युवा मोर्चा का सहयोग करते हैं और हम जो है सड़कों पे एकजुटता का प्रदर्शन करके उसको जो है दरकिनार करते हैं। मैं हमारे बीच में ज्वाइनिंग का जो है शुरुआत कराते हैं। सबसे पहले अमन शर्मा जी, आपने एक एक लाइन करके और पटका डाल के उसके बाद ग्रुप फोटो भी होगी। अमन शर्मा जी, मनीष सिंह जी, चलिए आइए, चलिए मनीष सिंह जी, आइए जी, सेंटर में आइए। मनीष सिंह जी, मनीष सिंह जी, बाकी वाले जाते आते जाइए यहाँ पर, मैं एक एक नाम लेता हूँ, आप आते आइए। अनिल कुमार जी, अभी लंगे जी, अनिल लंगे जी, सुरेंद्र भगत जी, राहुल सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, हिमांशु गुप्ता जी, साहिल कुमार जी, अमल सैनी जी, साहिल शर्मा जी, मुनीश शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, अमित शर्मा जी, अंकित शर्मा जी, तरुण कुमार, निखिल धवन, प्रकाश शर्मा, साहिल कुमार, विशाल शर्मा, जिन जिनके नाम भी आते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जुगल किशोर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सद्य थाली आई होती है, सद्य की आई हो, नीचे आई हो, नीचे कुछ लोग घर के नीचे थाली आई हो।
हार्दिक खुशी की बात है कि आज जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए नौजवानों ने, ये जो जंग जूथ आप यहाँ पर देख रहे हैं, अमन शर्मा जी और हनी सिंह जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा में इन्होंने ज्वाइनिंग की है, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है। हमारे अजय व्यास जी जो युवा मोर्चा के सह प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है वो आज पार्टी हेडक्वार्टर पर हुआ है। आप देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था। ये सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का सहयोग करने के लिए हमें भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना जरूरी था। तो आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका पूरा मान सम्मान होगा, कंधे से कंधा मिला के हम मिलके नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपने हैं वो साकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम जो है वो करेंगे। वैसे भी युवाओं का इस देश में बहुत बड़ा एक रोल है। नरेंद्र भाई मोदी देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने युवाओं पर विश्वास किया है और युवाओं को आह्वान भी किया है कि आइए हम सब इकट्ठे मिलकर इस देश को जो है वो आगे ले जाएं। मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इन युवाओं के भारतीय जनता पार्टी में आने से यानी पाने से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का और काम बढ़ेगा और इन युवाओं का जो रोल है उस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, इस प्रदेश के प्रति और ज्यादा जो है वो जिम्मेवारी जो है इनके कंधों पर आई है। हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का सहयोग करेंगे।